अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ विद जबीन विद एन अदर डे विद एन अदर व्लॉग। तो जनाब, दिन का आगाज़ हमारा हो चुका है। टाइम देख लें, यहाँ पे 9 बजने वाले हैं। और जनाब ये देखें, आज कमाल ही हो गया है कि आज ये रूम मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइम पे, इसलिए क्योंकि हस्बैंड को भी काम था सुबह सुबह, तो जनाब वो चले गए हैं। और मुझे तो वैसे ही इंतज़ार होता है कि मैं सुबह सुबह ही जी सारे काम कर लूं। तो जनाब बेडशीट चेंज करनी थी, और ये देखें मैंने ये आज न्यू बेडशीट भी लाई है। और ये देखें जी, मेरी न्यू बेडशीट के ऊपर ये पहले चढ़ गया। मैक्स, ये देखें ये भी खुश है, ये देखें ये भी इस जो बेडशीट है इसको इंजॉय कर रहा है। ये देखें, और इसकी शरारतें देखें। ठहरो सर, मैक्स ये देखें, ये इस टाइम इतना नॉटी हुआ होता है, ये देखें खेलता है। मैक्स ये देखें छुप रहा है, हाइड एंड सीख खेल रहा है मेरे साथ। तो जनाब हस्बैंड जा चुके हैं, मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, अपनी ड्रेसिंग की चीज़ें सेट कर दी थी। आपको पता है पूरे दिन में कभी ब्रश बच्चों ने यूज़ कर लिया, कभी इधर कभी ये चीज़ें कभी वो। तो ये देखें जी, हेल्पर के आने से पहले पहले मैंने ये रूम सारा सेट कर लिया है। और ठहरे, यहाँ लाइट ऑफ कर देते हैं। मैक्स आ जाओ, देखना ये भी ये नहीं कि यहाँ बैठेगा, अभी मैं जाऊँगी और ये मेरे पीछे आ जाएगा। आ जाओ। और जनाब ये देखिए, लाउंज भी मैंने क्लियर कर लिया है। देखें ये देखें, आया ना कैसा फ़ौरन आया। तो यहाँ की चीज़ें भी मैंने समेट ली हैं। यहाँ पे आपको वाइपर एक अदर नज़र आ रहा है, क्योंकि आज मैं ये पूरा लाउंज वॉश करवाऊँगी। और ये देखें जी, बच्चों का रूम भी पूरा मैंने चीज़ें सेट कर ली हैं, बेडशीट सेट कर ली है, पर्दे ऊपर अटका दिए हैं, ठीक है जी, ताकि आसानी से सफाई हो सके। और अभी मेरे जहन में ये चल रहा है कि मैं इस रूम को भी आज वॉश करवा लूं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं है कि पानी से ये ख़राब हो, क्योंकि ये देखें इतनी इतनी स्लैब तो ऊपर है, तो ये कबर तो हमारी ख़राब नहीं होगी। और ये जो बेड है ना, इसके नीचे भी ना मैंने प्लास्टिक के ब्लॉक्स रखे हुए हैं, तो ये भी ख़राब नहीं होगी जनाब। और ये वैसे ही प्लास्टिक की है, तो इसलिए मेरे जहन में ये चल रहा है कि मैं आज ये वॉश करा लूँ। और ये देखें ये यहाँ पे पागल हुआ पड़ा है। मैक्स इधर आ जाओ। और जनाब इसी तरह मैंने किचन भी सारा क्लियर कर लिया हुआ है, ये देखें जी, डिश वॉशिंग भी कर ली है मैंने। और ये देखें यहाँ पानी बॉयल हो रहा है। पानी क्यों बॉयल हो रहा है जनाब? क्योंकि ये जो कपड़ा है ना जनाब, ये इस पर धुलेगा बॉयल पानी में। चूल्हा बंद कर देते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये ना मैं रूटीन है मेरी, ये शायद मैंने शेयर की है कि ये क्या आपसे नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैं ये ना दो कपड़े हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये इससे सिर्फ मैं ये स्लैब साफ़ करती हूँ और कुछ भी नहीं। तो मेरी रूटीन है कि ये कल का है, इसको अब मैंने वॉश के लिए इसमें डाल दिया पानी बॉयल करके, और नया वाला मैंने दूसरा निकाल लिया है। अब कल यानी कि ये इस पानी में होगा और ये साफ़ सुथरा हुआ होगा, तो ये मेरी एक रूटीन है, ये तो लाजमी वाला काम है। और ये देखें जनाब, डिश वॉशिंग मैंने कर ली है, स्टैंड भी उठा के मैंने ऊपर रख दिया है कि जो मेरी हेल्पर है उसके लिए आसानी हो जाए। तो बस जनाब, और कुकिंग का इस वक्त कोई मेरा मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, इसलिए क्योंकि सब्जियां दालें हमने बना ली हुई हैं, और आज वैसे भी वो है फ्राइडे है, और ज़ैनब आ जाएगी, आपको पता है कि जल्दी आ जाती है 11:15, और बल्कि आज उसको मैंने ही लेने जाना है क्योंकि हस्बैंड तो आज मेरे अवेलेबल नहीं है, तो एक वो भी मेरा काम है, इसलिए सोच रही हूँ कि बस ऐसे ही चला लूँगी, कोई ऑमलेट वगैरह बना दूँगी बच्चों को, पराठे के साथ ये वो, आज ज़रा ऐसे ही चलाएँगे दोपहर। और आगे फर्दर मेरे आज के कुछ प्लान्स हैं, हो सकता है कि आज मैं अपनी मामा के घर जाऊँ, क्योंकि कुछ शॉपिंग का प्लान हो रहा है, क्योंकि हमारी फैमिली में आ गई है एक शादी बहुत करीबी मेरे कज़न की। और ये देखें ज़रा, ये देखें, ये तो बिल्कुल ही पागल हुआ है, ये चाह रहा है कि ये पूरी जो छोटी बड़ी जाली रह गई है ना, ये भी फट जाए। इस टाइम ये फुल मस्तियों में है। तो हाँ जी, शॉपिंग की बात मैं कर रही थी, तो जनाब शॉपिंग के लिए मैंने जाना है, और लेट्स सी, देखते हैं जनाब कि ये प्लान मेरा होता है पूरा कि नहीं। तो चलें जी, मैं वैसे तो अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कपड़े निकालूंगी रूटीन के, वो ज़रा बच्चियों के मैं प्रेस कर लूं अपने भी, और मैं बल्कि शावर लेके फ्रेश हो जाती हूं,
क्योंकि मैंने अपने हिस्से का सारा काम कर लिया है, बाकी तो हेल्पर आके करेगी, इसीलिए समझ लें कि मैं फ्री हूँ। और चलें जी, अब मैं शावर लूँ, फ्रेश हूँ, और उसके बाद फिर मैं रेस्ट वेस्ट करूँगी। ओके जी, फिर अभी आपको ठहर के मिलते हैं। मैक्स मैक्स सफाइयों की पड़ जाती है। चलें जी, आपको ठहर के मिलते हैं। जी तो जनाब, यहाँ पे 10 बजने वाले हैं और मेरी हेल्पर जो हैं वो आ गई हैं, और ये जनाब खूब झाड़ू लग रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, फ़र्श धुल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही हमने इंतज़ार रखा है कि हमें कोई अच्छी हेल्पर मिले, और वो हमें मिल गई है। और ये जी काम कर रही हैं खूब दबा के, और ये इतनी अच्छी हमारी हेल्पर हैं जी, ये कोई आलकस नहीं करती। मैं बल्कि कहती हूँ रहने दो, धोना क्या है, और ये कहती है नहीं जी धोएंगे तो साफ़ होगा, ऐसे नहीं होता। हाँ सही बात है ना जी। तो ये देखें जी, सारा उन्होंने धो दिया है फर्श, और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ पानी की, क्योंकि जो पानी की का जो स्लोप है ना वो मेरे इधर रूम में जाता है, तो बस मैंने इधर वाइपर ऐसे से करना है, और ये अपना धो रही हैं। और देखें जी, इसीलिए आपको नज़र आता होगा वीडियोस में कि मेरा घर के जो फ़र्श है वो क्यों चमकता है, क्योंकि जी वो इस तरह से सफाई होनी शुरू हो गई है। मैं जब करती थी तब भी चमकता था, ऐसी बात नहीं है, क्यों भाई नगीना, लेकिन ये है कि अब ज़रा ज़्यादा चमकता है। अब ज़्यादा चमकता है जी। नहीं नहीं, अब ज़्यादा चमकता है क्योंकि अब धुलता है, मैंने तो कभी धोया ही नहीं है। तो चलें जी जनाब, अभी ज़रा हम अपना और आगे ये जी काम शाम ख़त्म करें, फिर आपको जी दोबारा दिखाएंगे, ठीक है जी। आप 11:15 होने वाले हैं, 5 मिनट्स रह गए हैं, और जिस स्पीड से मैं चलती हूँ जनाब, मेरे लिए 5 मिनट्स बहुत हैं स्कूल तक पहुँचने के लिए। और ये देखें जी, मैंने कहा आपको अपनी ज़रा मैं फुल लुक दिखा दूँ, ठीक है जी। और बस जनाब, मैं जा रही हूँ अब ज़ैनब को लेने के लिए, और फिर वापस आके आप लोगों को दोबारा से मिलते हैं, तो आप हमारे साथ ही रहें। ओके जी गाइस, मैं घर आ गई हूँ, और मैं कितने बजे आई हूँ जी, अभी मैं 5 मिनट्स पहले आई हूँ, और लेट इसलिए हो गई कि एक तो मुझे कोई सोडा सल्फ याद आ गया जनाब, कोई ब्रेड अंडे शंडे ये वो रास्ते में देखने के लिए वो रुक गई मैं। ये देखें जी, मेरा ये लिक्विड भी ख़त्म हो गया था, वो भी मैं ले आई हूँ, और जैना मैडम आ गई हैं जनाब। तो चलें जी, ज़रा इसका ये समेटते हैं, और अभी सारा रामीन भी आने वाले हैं। और ये देखें जी, ये मैक्स साहब यहाँ पे लेटे पड़े हैं जनाब। चलें जी, इसको बैग को रखते हैं पहले। ये देखें जी, ठीक हो गया, यहाँ का भी फ़ैन चलाते हैं भाई आज ना, असल में शायद मैं वॉक करके गई हूँ, वॉक करके आई हूँ, तो शायद मुझे गर्मी लग रही है। आज वैसे भी बैठ थी हल्की हल्की धूप, लेकिन कोई इस तरह मुझे स्वेटिंग नहीं हुई कि वो बहुत गर्मी, शुक्र अल्लाह का अच्छा मौसम है। पर जनाब, बच्चियाँ आने वाली हैं, उनको अब खाने पीने को देंगे जी, ठीक है। ये देखें जिसने स्कर्ट कहाँ पर रख दी है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे जनाब, और फिर अपना आगे फर्दर देखते हैं कि जो प्लान मैं सुबह आपको बता रही थी वो होता है या कुछ और होता है, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये भी दोबारा आ गया मैक साहब, ये देखें भी यहाँ बैठ जाएगा, इसके भी अपने काम है भाई। तो चलें जी, मैं ज़रा जैनब को भी कपड़े वगैरह चेंज करवाऊँ, और बच्चियाँ भी आने वाली हैं, उनको भी देखें जनाब कि वो क्या उनको हमने पेश करना है। जी तो जनाब, इस वक्त बज रहे हैं 5, और जैसा मैंने आपसे सुबह कहा था कि मेरा कुछ प्लान है जाने का मामा की तरफ शॉपिंग वगैरह के लिए, तो चलें जिसने बता दिया। तो जनाब, हम रेडी हैं, हम जा रहे हैं, जैनब भी यहाँ पे रेडी, देखें जी ज़रा यहाँ पे रामीन भी तैयार है, और ये कितनी अच्छी लग रही है। रामीन अपनी फुल लुक दिखाओ। हाँ वो कह रही है भाई ऐसे ही देख लें, नाइस। और ये देखें जी यहाँ पे, ओके डन हो गया, और सारा का बस इंतज़ार है, क्योंकि सारा ने कहा मामा मैं शावर लूँगी तो फिर जाऊँगी। और सारा ये देखें जी, यहाँ पे कोई अपनी पैकिंग शैकिंग कुछ चल रही है उसकी, फर्स्ट क्लास किस्म की बुक्स वो ऐसे रख रही है जैसे इसने वहाँ जाके पढ़ना है, और मुझे पता है एक भी बुक नहीं निकलनी, सिर्फ मैथ्स का मैंने करना ना, क्योंकि मेरा अब आप मुझे ज़बरदस्ती छुट्टी करा दी तो ये मुझे करना पड़ेगा। अच्छा चलो, सम टाइम हो जाता है,
तो बस जल्दी जल्दी करो क्योंकि आपकी कॉल आएगी, यानी कि आप मुझे कहोगी तो मैं आप रिक्शा करवाऊंगी फिर, ठीक है? जल्दी करो। और मैं भी जनाब रेडी हूँ यहाँ पे, ये देखें जी यहाँ पे ये हमारा सामान भी रेडी है, ये देखें। सिर्फ मैं अब सारा का वेट कर रही हूँ कि ये जब कहेगी कि हाँ जी मामा आई एम डन, तो फिर हम जी निकलेंगे। तो चलें जी, बाकी अब आपको मामा के घर जाके मिलेंगे इंशाल्लाह। जी तो जनाब मैं आ गई हूँ मामा के घर सीधी, और यहाँ पे देखें जी कुनैन साहब, आप देखें जी ये मेरा है सिस्टर का बेटा, यानी ये मेरा भांजा जो को जिसको हमने जी रिसीव किया था अभी रिसेंटली, आपने वीडियो में देखा था। कुनैन से हाय, कुनैन से हाय, वेव योर हैंड, से हाय टू हर व्यूअर्स, और जनाब यहाँ पे ये देखें जी इसके खेलने का बंदोबस्त रखा हुआ है जी यहाँ पे, ये इसको क्या कहते हैं, स्मोकर था, टेबल फुट पता नहीं, हैंडल फुट आई थिंक, पता नहीं क्या इसको कहते हैं, हैंड फुटबॉल के हैंडल फुटबॉल वट एवर। और ये देखें जी यहाँ पे कैसल हाउस भी पड़ा हुआ है, ये चेक करें जी, ये देखें जी जी। तो जनाब ये देखें एकदम हम कहाँ पहुँच गए हैं, और हम आ गए हैं जी शॉपिंग करने के लिए मार्केट, और ये मार्केट है जनाब अनारकली, और यहाँ पे हम जी शॉपिंग के लिए आ गए थे, और जिस शॉप पे हम बैठे हुए हैं वहाँ से हमने एक ड्रेस ले लिया था। और ये देखें जी यहाँ पे कुनैन फुल बोर हो रहा है क्योंकि उसके मतलब का यहाँ कुछ काम नहीं है, और मेरी बच्चियाँ भी इवन के बोर हो रही हैं, लेकिन जी हमने तो अपना काम करना है। तो यहाँ पे मामा पसंद कर रही हैं अपने लिए सूट, और यहाँ पे हमारी बहुत बहस भी हो रही थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिया था। और बस जी उसके बाद फिर मैंने कहा चले आएँ आपको थोड़ी सी मार्केट फिराते हैं घुमाते हैं। और ये जी अनारकली का बाज़ार है, बाबर मार्केट, आपको पता ही होगा जो लोग आते हैं जाते हैं यहाँ। और हम तो बहुत टाइम के बाद आए थे, मुझे तो याद भी नहीं लास्ट टाइम कब आए थे, लेकिन अच्छा लगा, अच्छा डिफरेंट, यानी कि ना थोड़ा सा उन्होंने कर दिया हुआ है लेकिन यानी कि अच्छे वे में, और काफ़ी वैरायटी भी थी हर जगह, और मज़ा आया। और बस जनाब उसके बाद हम पहुंच गए थे दूसरी शॉप पे, और एक ड्रेस हमने यहाँ से ले लिया था, पसंद आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि शॉपिंग हमारी अच्छी हो गई थी, जो जो जैसे जैसे चीज़ें मामा को रिक्वायर्ड थी ना वो सब हमें मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और बस जनाब शॉपिंग हो गई थी मामा की कंप्लीट, और बस उसके बाद फिर हम आगे चले गए मामा के, कहीं से हमने जूते वगैरह भी लेने थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के हमारा वो काम भी हो गया था, क्योंकि हमने कोशिश हमारी यही थी कि आज जो मामा की शॉपिंग है ना वो हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह जी उनको उनकी पसंद के हिसाब से उनके जूते मिल गए थे, और काफ़ी वैरायटी आई हुई थी। और आपको पता है हर शॉप की अपनी एक वैरायटी होती है, कहाँ पे कैसा कहाँ पे कैसा, लेकिन ये था कि मेन चीज़ ये होती है कि आपको आपकी पसंद के हिसाब से जो आपको रिक्वायर्ड होती है ना अगर वो मिल जाए तो फिर तो क्या कमाल ही हो जाता है। और सेम ऐसा जी कल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जी उसके बाद हम आ गए थे घर, और ये देखें यहाँ पे हमने बारबेक्यू ऑर्डर किया था, थोड़ा सा वो आया था, और मामा ने घर में बनाई हुई थी मज़ेदार भिंडी चिकन, साथ में कड़ी भी थी, कोल्ड ड्रिंक्स भी हमने मंगवा ली थी, और क्या मज़े का खाना था जी। जी तो जनाब यहाँ पे हम लोग जब शॉपिंग करके आए थे, आपने देख लिया वीडियो में, हमने खाना शाना भी खा लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बहुत मज़े का था। और यहाँ पे बस ये मैं आपको शॉपर दिखा देती हूँ अभी कि यहाँ खिलारा पड़ा हुआ है किस चीज़ का, कि वो है जी मेरी इस वक्त जो मदर हैं मामा, उनकी शॉपिंग हो गई है शादी की, तो अभी शॉपिंग में दिखाऊंगी नहीं क्योंकि जब हम शादी पे जाएंगे फिर मैं आपको उनकी ड्रेसेस उनकी फुल लुक के साथ दिखाऊंगी जी कि वो कैसी लग रही हैं, ठीक है जी। और बस जनाब अब हम ये चीज़ें वाइंड अप करने लगे हैं, ठीक है जी। ये देखें आपको सिर्फ शॉपर दिखा रही हूँ, शॉपिंग नहीं दिखा रही, यहाँ पे भी जूते का डब्बा पड़ा हुआ है, शॉपिंग इसलिए नहीं दिखा रही, आपको बता दिया है कि अब ये सरप्राइज रख रहे हैं। बाकी बस जी अब हम लोग बस चीज़ें ज़रा यहाँ वाइंड अप करते हैं, यहाँ से मैट्रेस वगैरह लगाते हैं और बस सोने की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलें जी अभी आप हमारे साथ ही रहें,
जी तो जनाब ये देखें, इस वक्त मैं पी रही हूँ जी ये लेमन माल्ट, और यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ व्लॉग का एंड। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दें और जाके अभी लेमन माल्ट पिएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।